क्लब 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं का रुकजनी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो किस तरह से देखना, क्योंकि फाइनली आपका जो यहाँ पर रुकजनी परीक्षा का रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली से आपको यहाँ पर गूगल में आ जाना है और आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है MPSOS, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो सिंपली से हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। MPSOS के नाम से ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है और साथ ही आपका यहाँ पर MPSOS.net.in इसी वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो सिंपली से आपको अपने यहाँ पर रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे आना, फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिजल्ट माइग्रेशन, इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम जून 2024, जो आपके यहाँ पर रुकजनी परीक्षा थी वो आपकी जून में हुई थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रिजल्ट आ चुका, सिंपली से आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्ट एग्ज़ाम, यहाँ से आपको एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर 10वीं के स्टूडेंट 10वीं सिलेक्ट करना, 12वीं के स्टूडेंट तो 12वीं सिलेक्ट करना, ठीक है। अभी 12वीं का रिजल्ट आया, 10वीं का रिजल्ट भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 10वीं क्लास भी देखने को मिल जाएगी, अभी 12वीं का आया। तो 12वीं हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना और सिंपली से आपको यहाँ पर डालना कैप्चा कोड जो यहाँ पर बॉक्स में दिया गया, और साथ ही आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और साथ ही फाइनली आपका 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। तो यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।